हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। राजस्थान, जो कि जाना जाता है अपनी चारों तरफ फैली खूबसूरती, बेहतरीन खाना और शानदार कल्चर के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी भी दुनिया है जो रहस्य से जुड़ी है। यहाँ कुछ ऐसी कहानियाँ भी प्रचलित है जिनका कोई अंत नहीं है, जो सदियों से लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है। ऐसी ही एक कहानी है राजस्थान के एक गाँव कुलधरा की। एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लेकर आज तक लोग इस गांव की रहस्य को नहीं समझ पाए, और आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है। कुलधरा। कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंड अहर नहीं था, जब कुलधरा के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते था। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर की शिकार गई, और वो शख्स था रियासत का दीवान सालेम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालेम सिंह की बुरी नजर पड़ी और वो खूबसूरत लड़की सालेम सिंह की जिद बन गई। सालेम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। ये लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव की चौपाल पर बैठक की और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान बचाने के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहां आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन दो गांव तमाम कोशिशों के बाद भी आबाद नहीं हुए। एक है कुलधरा और दूसरा खाभा। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। यहाँ सैकड़ों पर्यटक आते हैं, देश की इस विरासत को करीब से देखते हैं, लेकिन अकेले नहीं लौटते, कुछ कहानियाँ भी उनके साथ जाती हैं। इस गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ, कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं, जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहां जो भी आया वो हादसे के शिकार हो गया। कुछ वक्त पहले कुलधरा के रहस्य की पड़ताल करने वाली एक टीम भी ऐसे ही हादसे का शिकार हुई थी। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जो नहीं चाहता था कि कोई वहां की तस्वीरें ले। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ, कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियाँ सच है या सिर्फ एक वहम, ये आप पर है, आप इसे क्या मानते हैं।